कैसे हैं कैसे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार जुड़ जाइए सारे लोग, जल्दी बताइए। दिखेगा दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। चलिए आवाज सब कुछ क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए, आवाज सब कुछ क्लियर है ना? बहुत बढ़िया गुरुजी, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलिए आज एक चीज आपको बताऊं। आज के ही दिन, ध्यान समझना, आज के ही दिन ध्यान से समझना, आज 20 अगर मैं सॉरी 2 जुलाई अगर मैं आज की बात करूं तो कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि मतलब आप फैन हो जाओगे कि सर ये लेटेस्ट पेपरों में कैसे घुमा घुमा के पूछे हुए हैं। क्लियर? तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे 20 क्वेश्चन आज होंगे वो अभी DSSSB में आए हुए क्वेश्चन हैं और पीछे कुछ UPPCS में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो आज से हम शुरुआत करते हैं वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, 2 मिनट 2 सेकंड का समय है और आप पहला क्वेश्चन देखिए, 2 सेकंड का टाइम है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान का क्या नाम है, यानी फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। भारत के पहले टेस्ट कप्तान का क्या नाम है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंकित अंकित, एक मिनट बच्चों, दिख नहीं रहा है। अंकित तेरे से उस टाइम भी अंकित पूछा, बच्चों एक मिनट। हां अब ध्यान से समझो, शायद अब दिख रहा होगा, बिल्कुल अब दिख रहा होगा बिल्कुल। चलिए तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और ये कई बार पेपरों में आया हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट कैप्टन का क्या नाम है, जो हमारा पहला टेस्ट कैप्टन है उसका क्या नाम है, जो हमारा पहला टेस्ट कैप्टन है। अब बच्चा कंफ्यूजन क्या मानता है तो ध्यान से समझिएगा। एक तो टेस्ट कैप्टन याद रखना है पहला, एक तो ओडीआई कैप्टन याद रखना है पहला, और एक तो T20 याद रखना है पहला। अभी जो ये सीरीज है, इस सीरीज में मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की। जो नेक्स्ट सीरीज की बात करूंगा उसमें बताऊंगा अभी कौन है। तो 2 सेगमेंट हमारा चलेगा, यानी पहला टेस्ट में पहला कैप्टन, फिर ओडीआई में पहला कैप्टन, फिर T20 में पहला कैप्टन। तो ध्यान से सुनना, 1932 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, उसके पहले कैप्टन थे सीके नायडू। तो ये हमारा पहला मैच था टेस्ट का। तो टेस्ट के हमारे पहले हैं सीके नायडू। अगर आप देखना चाहें, देखो ये वो आदमी है जिनका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है इतिहास में। सीके नायडू के नाम से कई बार क्वेश्चन उठाया हुआ कि पहला कौन है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, अगर बात करेगा ओडीआई, तो ओडीआई में पहले जो है 1974 में पहला ओडीआई खेला गया, जिसमें हमारे कैप्टन थे अजीत वेडकर। ये हमारे ओडीआई के पहले कैप्टन हैं। और अगर मैं बात करूं T20 के पहले, तो 2006 में खेला गया था ये मैच जोहान्सबर्ग में। होना तो राहुल द्रविड़ को था, लेकिन राहुल द्रविड़ थे बीमार, तो उनका क्रेडिट ले गए कौन, वीरेंद्र सहवाग। तो पहले T20 के हमारे कैप्टन है वीरेंद्र सहवाग, और पहले ओडीआई के अजीत वेडकर, और पहले टेस्ट के सीके नायडू।
तो हमारा तीन चीज क्लियर हुआ ना, तीन चीज क्लियर हुआ, पहला टेस्ट सीके नायडू, पहला वनडे मैच 50 ओवर वाला अजित वेडकर, और पहला T20 वीरेंद्र सहवाग। क्लियर? तो तीन सेगमेंट हमने आपको बता दिया। अब कहोगे मास्टर जी अभी कौन है, तो इसका भी सीरीज ले आएंगे यार। अभी तो हमारा पहले का सीरीज चल रहा है, पहले का सीरीज चल रहा है। क्लियर? फुल फॉर्म, वनडे, टेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। अब देखो कई बार बच्चा क्या पूछता है कि सर ये बताओ टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएगा, टेस्ट वाला तो ऐसा ही आएगा, पहले टेस्ट के कौन है, पहले टेस्ट के कौन है, सेम ऐसा ही आएगा, कोई अंतर आएगा ही नहीं। फिर आएगा पहले ओडीआई अजीत वेडकर, और आ जाएगा पहला T20 वीरेंद्र सहवाग, कोई डाउट है ही नहीं। तो हमने तीन सेगमेंट पढ़ा, टेस्ट, ओडीआई और T20। क्वेश्चन सीधा का सीधा बनेगा। अगर एक और बात एक बार ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा कि 1932 में हमारा पहला टेस्ट था, 1974 में हमने पहला वनडे खेला 50-50 ओवर वाला, और 2006 में हमने पहला T20 खेला जिसके कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। तो ये भी आपको ईयर पूछ सकता है पेपर में, ये तो पूछे लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक हमारा क्वेश्चन है द नेशनल पुलिस एकेडमी, यानी नेशनल पुलिस एकेडमी। एक पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, यानी प्रशासनिक यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस होते हैं, तो आईएएस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो तो मसूरी है उत्तराखंड, और जो आईपीएस वाला है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम है आईपीएस सेंटर का नाम, और आईएएस वाले का नाम है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तो लाल बहादुर शास्त्री का मतलब है जहां आईएएस ट्रेनिंग करते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है जहां पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं यूपीएससी का पेपर पास करके, यूपीएससी का। तो आईएएस वाला लाल बहादुर शास्त्री है जो कि मसूरी में है, और आईपीएस वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो हैदराबाद में है। अगर पिक्चर देखना चाहो तो ये है पिक्चर। क्लियर? क्लियर? ये एचएसएससी के पेपर में आया था, एचएसएससी के पेपर में आया था। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए जो आईपीएस सेंटर, जो आईपीएस वाला है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बना था, तो ये 1948 में इसका निर्माण हुआ था, 1948 में। और जो आईएएस वाला है लाल बहादुर शास्त्री वो 1958 में है, यानी उसके 10 साल बाद। तो मसूरी वाला बना लाल बहादुर शास्त्री, और पहले कौन बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जहां पुलिस ट्रेनिंग करते हैं वो हैदराबाद है, और जहां प्रॉपर आईएएस यानी डीसी ट्रेनिंग करते हैं वो मसूरी है। मसूरी वाला 1958 में बना है, और आईपीएस वाला पुलिस वाला एसपी वाला 1948 में बना है, और लाल बहादुर शास्त्री 1958 में बना है 10 साल बाद। लव यू लवासना, सबको लव यू लवासना है जी। हाँ, लवासना उसी को बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। क्लियर? अरे बता दो यार सर, मजा ही आ गया। हाँ तो मतलब एक चीज क्लियर तक करते चलो कि जब भी पूछेगा लाल बहादुर लवासना तो 1958, और जब भी पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948। ये है लाल बा, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी पुलिस एकेडमी है। ये हैदराबाद वाला है जिसका पेपर आया हुआ है, देखो जिसका क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर हैदराबाद। क्लियर? एस डियर सर जी नमस्कार। चलिए ये भी शायद क्वेश्चन आप लोगों को शायद ये भी थोड़ा सा भ्रमित करे कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सीधा का सीधा पूछ लेते हैं। ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझिएगा,
कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं पेपर में, वो आपको मैं अभी डायरेक्टली बताता हूं। देखो, भारत में राज्य और भारत में केंद्र शासित प्रदेश, बच्चा यहां 100% कंफ्यूज है, 99.9%। भाई सौरभ नेगी जी वो एक्टिव है 1959 से, वहां बच्चे आने लगे, बन के तैयार हुआ 58 में, बच्चे आने लगे ट्रेनिंग करके, उसके एक साल बाद ही तो आएंगे। क्लियर? अब ध्यान से समझना, इसमें बच्चा कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, कैसे? देखो, 31 अक्टूबर 2019, देखते चलना, 2014 ये पहला पॉइंट, ये तीसरा, 26 जनवरी 2020 ये तीन पॉइंट पहले क्लियर करो। पहले तीन पॉइंट क्लियर करते हैं, यहां क्वेश्चन 100% बने, पहले ये तीन पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो कैसे, अभी आपको मैं बताता हूं, अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। जब बात करेगा 2014 तो उस टाइम 28 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यूटी। इस 28 में जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था 2014 में। 2014 में क्या हुआ, अचानक इसमें एक राज्य और जुड़ा जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। तो हो गया 29+7 2014 में, लेकिन अचानक 31 अक्टूबर 2019 को एक और घटना घटित हुई। 31 अक्टूबर 2019 क्या किया गया, 29 में से एक राज्य को कम कर दिया गया, उसका नाम था JNK, यानी JNK राज्य में से कट, तो राज्य बन गया फिर 28। अब राज्य तो कट हो गया, इस JNK को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक JNK और एक लद्दाख, और इसको यूटी घोषित कर दिया गया। तो फाइनली 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। लेकिन फिर क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यूटी थे, तो 9 यूटी में से रह गए फिर 1-8, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी 36 टोटल। तो पूछा क्या है पेपर में, ये ध्यान से सुनना, पूछा क्या है पेपर में, पेपर में सीधा पूछा है कि कितने राज्य कितने यूटी, तो 28 राज्य 8 यूटी, सीधा क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन DSSSB में आया हुआ अभी लेटेस्ट, जब भी पूछेगा कि नई दिल्ली नाम कब आया, कहना 1916 में, नई दिल्ली नाम 1916 में। दूसरा पॉइंट, नई दिल्ली राजधानी बनेगी 1931 में, नई दिल्ली भारत की राजधानी हो गई 1931 में। नई दिल्ली अब राजधानी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी होगी 1956 में, और नई दिल्ली NCR भी होगा 1991 में। ये चारों क्वेश्चन एक के सेट में था DSSSB के। नई दिल्ली नाम 1916 में, नई दिल्ली भारत की राजधानी 1931 में, नई दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी होगा 1956 में, और नई दिल्ली NCR भी होगा 1991 में। 69वां अमेंडमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तब यह हुआ था NCR। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, और ये तो है ही है, मतलब ये तो मतलब कातिल क्वेश्चन है। आप ना
कौन बनेगा करोड़पति देखना सीजन इस साल, यही क्वेश्चन था 25 लाख का। हिमाचल प्रदेश का एक लड़का आया था, उससे पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। 99% लोगों को नहीं आता यार, वो सिर्फ रट्टे मार देते हैं। आइए, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपके सामने दिख भी रहा होगा। देखो, इस क्वेश्चन के पीछे ना साजिश ए अंजाम है। इस क्वेश्चन को मतलब कई तरीके से घुमा सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखें, 1974 में पहली बार पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया पहली बार, कर लिया भाई, परमाणु परीक्षण कर लिया। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। चलो भाई, ये तो कॉमन क्वेश्चन है और आता भी है कि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, उस टाइम में इंदिरा गांधी थी, कर दिया। लेकिन याद रखना, 11 से 13 मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 किया, दूसरी बार परीक्षण, 5 बम लगाए थे और 3 ने ब्लास्ट कर दिया, सक्सेसफुल था। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, कर दिया भाई। उसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया, कौन, इस वाले को। तो ये जो था वो हमारा ऑपरेशन टू, पोखरण टू था, ऑपरेशन शक्ति। और जो क्वेश्चन है ये, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा है, लेकिन इसी का एक जुड़वा भाई भी पेपर में आता है, जानते हो क्या, नागासाकी हिरोशिमा। याद रखना बच्चा, वहां कंफ्यूज होता है 6 और 9 अगस्त 1945, ये है नागासाकी हिरोशिमा। ये भी जुड़वा भाई है, जब एक साथ आप पढ़ रहे हो तो इनको भी जानने की कोशिश करें। जब आए 6 और जब आए 9, तो पहले H आता है बाद में N आता है, बच्चा इसमें कंफ्यूज है। जब पूछे केवल हिरोशिमा तो 6 को हुआ है, और जब पूछे नागासाकी कब हुआ है तो 9 को हुआ है। यानी पहले हिरोशिमा जापान में गिरा, फिर नागासाकी जापान में गिरा, बैक टू बैक। लेकिन पेपर में यह पूछा था नागासाकी, बच्चा 6 लगा के आया, क्योंकि ऑप्शन में तो 6 भी था 9 भी था, कंफ्यूज आ गया। तो 6 जब आए तो H यानी हिरोशिमा, और जब 9 आए तो नागासाकी। एक और बात, जब कहे लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय इस वाले बम का नाम दिया था US ने, इस वाले बम का, लिटिल बॉय। और जब आए फैट मैन तो वो नागासाकी वाले को किया था। यानी हमारे पास 4 क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा इंडिया में 1974 वाला, ऑपरेशन शक्ति इंडिया में पोखरण वाला, नागासाकी 9 को, हिरोशिमा 6 को, लिटिल बॉय हिरोशिमा, फैट मैन नागासाकी, ये 4। अब तुम कहोगे सर इतना सारा कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, लाडले इसी का तो नाम है, परीक्षा इसे ही तो कहते हैं, वरना तो मतलब पढ़ाने वाली दुनिया है यार, जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता दिया और कनेक्टिविटी तो किए नहीं। अगर सेम इसी तरह की चित्रकारी देखना चाहते हैं, जो ये चित्रकारी है देखिए, जो ये चित्रकारी देखना चाहते हैं, तो याद रखना हमारा एक GS गोल्ड का बैच है, एप्लीकेशन पे बहुत ही सस्ता है, और इस टाइम पांडे सर 20 ऑफर चल रहा है, जाके परचेज कर लो, 20% का ऑफ चल रहा है। यही सब चित्रकारी है, उसमें पूरे GK में, इतिहास में भी चित्रकारी दिखा रखा है। ये है, ये देखो, ये है 1974 वाला इंदिरा गांधी, ये उनके सचिव, और यही 74 में जब बम फूटा देखो, और वही जब 98 में बम फूटा, UN तक बात गई थी कि बम फोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया में, रेडियो में आकर बोला कि आज मुझे फक्र हुआ। आपने परमाणु मूवी भी देखी होगी, कितनी दफा देखूं तुझे, हैं? गाना सुना होगा ना, तो वही तो है। आगे देखो, ये देखो, ये कौन वाला है, देखो ये अटल बिहारी वाजपेयी, जरा इनको तो पहचानिए। अगर मैं चित्र दिखाऊं तो कहोगे मास्टर जी मैं पहचान लूंगा, तो जरा पहचानिए। तो
लो चित्र मैंने दिखा दिया तो जरा पहचानिए, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका नाम बताइए और इनका नाम बताइए, ये तो मतलब महान आदमी। ये है जॉर्ज फर्नांडिस, रक्षा मंत्री थे, और ये तो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नेतृत्व में तो सब कुछ हुआ था। तो ये थे 1998 वाले में, 11 से लेकर 13 मई 1998 जब पोखरण 2 हुआ था, P2 हुआ था, और नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। चलिए आइए, एक मिनट बच्चों, अब आइए देखिए अल्टीमेट क्वेश्चन, मतलब आई लव यू क्वेश्चन, क्वेश्चन को कहूं तो मैं आई लव यू, लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब दिल को छू गया। जब कहेगा भारत में स्थापित पहला विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन देखने के बाद तुम मत ये कहना कि मास्टर जी इसमें नालंदा तो है नहीं, इसमें तक्षशिला तो है नहीं, इसमें विक्रमशिला तो है नहीं। अरे वो एंशियंट इंडिया के हैं, ये अभी के हैं। जब पेपर में, ध्यान से सुनना, अगर जब पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो 1857 जनवरी महीने में ओपन हुआ था, 1857 में। और जब कहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय, तो 1922 में हुआ था, 1922 में दिल्ली। और जब कहेगा मद्रास, तो सितंबर का महीना था और ईयर था 1857। कलकत्ता वाला 1857 था लेकिन जनवरी का महीना था, और मद्रास वाला 1857 का साल था लेकिन सितंबर था। इस सितंबर में है, ये जनवरी में है, ईयर दोनों का सेम है, लेकिन ये मंथ पहले है जनवरी, तो कलकत्ता होगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में यूपी में है, BHU यूपी में है। तो अगर इस ईयर को देखोगे तो 57 57, लेकिन ये जनवरी है ना, तो हमारा आंसर कलकत्ता विश्वविद्यालय जाएगा, हमारा आंसर कलकत्ता विश्वविद्यालय जाएगा। है नहीं समझाई, 1857 1922 दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 1857 सितंबर, 1916। तो अगर तुम्हारा कंफ्यूजन है जी 1857 1857, अरे ये सितंबर है जनवरी है, तो पहले तो ये है ना। गुरुजी मजा ही आ रहा है, तो भाई क्वेश्चन ही ऐसे हैं, लेटेस्ट है। हाई देखिए ना भाई, ये है तुम्हारा कलकत्ता, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है यार, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यह है मद्रास यूनिवर्सिटी, बहुत सुंदर है ये भी, मद्रास यूनिवर्सिटी दिल को छू जाएगा। और ये है तुम्हारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी, दिल को ऐसा छुएगा पूछो मत, काशी। क्लियर सुमित जी, गजब पिक्चराइज सिस्टम। तब देखो आजकल क्या हो रहा है, परीक्षा में चाहे तुम KBC में जाओगे तो चित्र दिखा देगा, बोलेगा जरा पहचानिए तरीका है, पहचानिए इसको क्या है, तो तुम इसको देखते ही, क्योंकि फेमस हो रहे हैं आजकल यूनिवर्सिटी, तो सीधा क्या कहेंगे, सर ये तो BHU है, इसको कहोगे सर ये तो मद्रास लग रहा है, अमिताभ जी कहें अई का है, बोला सर ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीलिंग आ रही है, और अई का है, बोला इस पे तो लिखा ही है वेस्ट बंगाल, इस पे तो लिखा ही है। चलिए वाह, आइए जरा, मतलब हाँ ये क्वेश्चन भी अपने आप में दिल को छूने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा पहले आपको 2 सेकंड देते, एक बार पहचानिए तो फटाक से पहचानिए, ध्यान से सुनना। जब भी पूछेगा हरित क्रांति, जब भी पूछेगा पेपर में हरित क्रांति, तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए मेरे दोस्त, सीधा एक चीज पर जाना चाहिए, सीधा एक चीज पर, क्या वो आपके सामने है।
जब भी कहेगा ये तुम्हारे यहां हरियाणा में पूछा है भाई एचएसएससी पीटीआई के पेपर में फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर भारतीय हरित क्रांति भारत पूछा है भारत कुछ नहीं करना भारत पूछा है अगर भारत पूछा है तो एमएस स्वामीनाथन आंसर करो तमिलनाडु के रहने वाले थे और जब मेरे लाल मेरे दोस्त ये कह दे कि ये बताइए वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन है विश्व में तो कहना जी नॉर्मन बोरलॉग है नॉर्मन बोरलॉग है जब कहेगा विश्व में तो कहना नॉर्मन बोरलॉग है और जब कहेगा इंडिया में तो एम एस स्वामीनाथन यहां से इंडिया हटा दे तो नॉर्मन बोरलॉग और जब इंडिया जोड़ दे तो आंसर करना एम एस स्वामीनाथन। ये वही नॉर्मन बोरलॉग हैं जिनको 1970 में नोबल प्राइज भी मिला हुआ है इनको नोबल नहीं मिला है ये वही नॉर्मन बोरलॉग हैं यूएस के रहने वाले हैं यूएस के ठीक है कौन यूएस के हैं नॉर्मन बोरलॉग और कौन इंडिया के हैं एम एस स्वामीनाथन। आइए तो जरा ये देखिए इनको कितना खूबसूरत चेहरा हम लोगों से भी सुंदर हैं ये देखिए तो जरा देखिए दिख गए हाय देखिए ये है नॉर्मन बोरलॉग देखिए तो जरा ये है नॉर्मन बोरलॉग देखिए और इनको 1970 में भारत इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। एक एक करके सब सीरीज उठाएंगे दूध क्रांति हरित क्रांति सब उठाएंगे पहले चलिए ये देखिए एक बार आइए ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत हाँ आइए देखते हैं भारत और एशिया ओहो क्या जबरदस्त बात इंडिया तो है ही इंडिया में तो है ही साथ में एशिया एशिया लेवल की बात हो रही है एशिया लेवल की कई देश आते हैं एशिया में तो भारत और एशिया को अगर कहेंगे तो मोवलोंग सबसे सुंदर विलेज है मोवलोंग क्लीनेस्ट अगर आप नेट पर भी टोएंगे ना तो सीधा मिलेगा आप नेट पर डालना क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया आएगा मोवलोंग और मोवलोंग मेघालय में है कभी घूम के आइए और इसकी राजधानी सिलोंग और यहां के गवर्नर सत्य प्रकाश मलिक और यहां के चीफ मिनिस्टर कुनार्ड संगमा तो कुनार्ड संगमा यहां के चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश मलिक यहां के गवर्नर मेघालय की राजधानी सिलोंग और मेघालय में ही है मोवलोंग आप भी जाइए मम्मी पापा को भी ले जाइए थोड़ा सा घुमा के तो आइए दिखाते हैं ये है देखिए कितना सुंदर अद्भुत ये है मोवलोंग खुद जाइए उनको भी ले जाइए मोवलोंग क्लीनेस्ट विलेज ठीक है आइए वहां एक खासियत है इसको देखने के बाद क्या पता आपको चलता है वहां क्यों सुंदरता है सुंदरता क्यों है ये बताइए सुंदरता क्यों है उसका कारण है वहां जो गांव के लोग हैं ना ऐसे बना बना के टोकरी रख रखे हैं डस्टबिन खुद बनाते हैं वहां के लोग डस्टबिन और आप यहां डालिए यहां घूमने का एक और शानदार चीज है आइए दिखाते हैं आपको घूमने का शानदार चीज है ये जानते हैं क्या है ये पेड़ के जड़ों से बना हुआ पुल है ये पेड़ है और इस पेड़ के जड़ों से पुल बन गया है और लोग देखो आ रहे हैं जा रहे हैं और नीचे से नदी बह रही है इतना शानदार दृश्य तो जाइए कभी घूम के आइए जॉब लगने के बाद जाएंगे हाँ ये भी ठीक बात है ये मोक्षिका का कहना है कि जॉब लगने के बाद जाएंगे मास्टर जी हम ऐसे नहीं जाते तो ये बताइए क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया किसको बोलते हैं मोवलोंग कहां है मेघालय में आपको चित्र भी दिखाया पहले बताइए क्लास अच्छी लगी
अगर अच्छी लगी तो शेयर बनता है, और अगर शेयर बनता है तो पहली बार लाइक्स बनता है, अगर लाइक बनता है तो गैलेक्सी आपका है, और गैलेक्सी एक्सिस आपका है तो प्रचार कीजिए ना, गांव गांव शहर शहर आपकी जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार करना, क्लियर। और अगर ऐसी ही जीके और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो गैलेक्सी एक्सिस के एप्लीकेशन पे 400-500 में पूरी जीके है अपडेट चित्रकारी, जाके देखो ना, मजा ही आ जाएगा। आइए, आए है क्या खूब बनाया है खुदा ने, क्या अद्भुत बनाया है, इस क्वेश्चन का जवाब तो जवाब है, क्या अद्भुत। पहले जवाब दे लीजिए इस क्वेश्चन का, पहले आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, सुनिएगा। बर्डमैन बहुत प्यार है चिड़ियों से, मुझे भी पेट एनिमल बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। बर्डमैन ऑफ इंडिया 1896 में मुंबई में एक आदमी का जन्म होता है और 1987 में उस आदमी का डेथ हो जाता है। 1896 में उस आदमी का जन्म होता है मुंबई में और 1987 में उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। 1958 में उस आदमी को पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, पद्म भूषण तीसरा भारत का सबसे बड़ा। उस आदमी को 1976 में पद्म विभूषण मिलता है, दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण, पहला भारत रत्न, फिर विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री, पद्म विभूषण मिलता है। तो सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ नंबर आता है पद्म श्री, नहीं मिला है, और भारत रत्न नहीं मिला है। तो मुंबई में जन्म हुआ, मुंबई में डेथ हुआ। 58 में पद्म भूषण, 76 में पद्म भूषण, और 58 पद्म भूषण, 58 में पद्म विभूषण, 76 में। वो आदमी कौन है? वो ये है, वो आदमी ये है, उनका नाम है सलीम अली। बहुत बड़ा नाम है ये, और ये सलीम अली के नाम से गोवा में और भी बहुत जगह बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, इनको सम्मान दिया गया है। तो याद रखना, आंसर जाएगा इसका, बर्डमैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, और सलीम अली के बारे में मैंने आपको यहां पे बता ही दिया है। क्लियर है मास्टर जी, लव यू। बच्चों, ये आप लोग का प्यार है जो, मतलब चलो पढ़ाना तो जो भी आता है आपको बता ही दिया। देखो ये गोवा वाला है जो इन्होंने के नाम पर है, गोवा वाला बर्ड सेंचुरी, देखो गोवा वाला बर्ड सेंचुरी। आज ही जाओ ना एप्लीकेशन पे और करो ना फोन, किस नंबर पे, 8059102345 पे करो कॉल, इस पे, और बोलो कि पांडे सर ने कहा है 20% ऑफ दे दो आज, और पढ़ो चित्रकारी के साथ जीके, चित्रकारी के साथ जीके, ताकि तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए, मतलब गजब गजब ऐसा क्वेश्चन उठाया जो अभी लेटेस्ट आया है, और हर कोई पक्का फेल होएगा इसमें, 100% फेल होएगा। जब भी बात करेगा पिन कोड पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पहला तो फुल फॉर्म ही पूछ देगा। हर गांव का एक पोस्ट ऑफिस होता है, हर गांव का, आपका टीचिंग फर्स्ट क्लास है, ऐसा टीचर देख, संतोष जी ऐसी बात नहीं, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है यार, हर टीचर सम, बस आपको मैं पसंद आ गया, मेरे को आप आ गए। कहते हैं कि यूं ही खुशियां बांटने से नहीं मिलती, यूं ही खुशियां बांटने से नहीं मिलती, तेरी वजह से मेरी जिंदगी यूं ही चलती। अरे फासला क्यों रखते हो मेरे दोस्त, आजमाने से जिंदगी चलती है, ठीक है, आजमाने से जिंदगी चलती है, ध्यान से सुनना। तो पिन नंबर का पहला काम तो फुल फॉर्म आ गया, हर गांव का अपना पोस्ट ऑफिस होता है।
चलिए, पोस्ट ऑफिस के बारे में जैसे मैंने कहा 131001, यह हमारे सोनीपत का है, यह हमारे सोनीपत का है पोस्ट ऑफिस का, और यह सोनीपत का पोस्टल नंबर है। ध्यान से समझिएगा, 15 अगस्त 1972 को इस सर्विस की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1972 को सवाल यह नहीं आया, सवाल सीजीएल में यह आया, लॉक कर दो सर, अंतिल जी लॉक किया, लॉक किया 1972 सीधा आंसर है। सवाल यह है कि सवाल यह है कि यह बताइए मास्टर जी, जो पहला अंक है, 6 अंक का तो होता ही है, जो पहला अंक है वो किसको बताता है? तो 6 अंकों का हमेशा पिन नंबर होगा, 6 अंकों का पिन नंबर होगा हमेशा, पोस्टल पिन नंबर 6 अंकों का, उसमें जो पहला है वो बताता है मास्टर जी जोन, किस जोन का ये नंबर है। और याद रखना, पूरा पोस्ट ऑफिस 9 जोन में बटा हुआ है, यानी पहला अक्षर कहीं देखो 2743-02 कहीं का है, 2746-02, इससे पता चल जाएगा 2 है किस जोन का है, पता चल जाएगा किस जोन का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत का पहला जोन बताता है, तो ये किसका हो गया, जोन, जोन ये हो गया जोन। और जो अगला है, अगला अंक, वो बताता है सब जोन, सब जोन, ये होता है सब जोन, यानी पहला अंक जोन, दूसरा सब जोन, तीसरा बताएगा, तीसरा ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का है, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट यानी सॉर्ट कीजिए किस जिले का है। पहला जोन पकड़िए, फिर जोन में जाइए सब जोन, फिर जाइए डिस्ट्रिक्ट, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, और जो ये तीनों हैं, अगला जो 3 है वो अलग से ले लेना है, और वो बताएगा अगला 3 किस पोस्ट ऑफिस का है। सोनीपत में भी कई हैं, तो लास्ट का बताएगा, 1 है तो ये मेन सोनीपत का है, 2 है तो शुरुआत वाला जोन, सब जोन, डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट का बताएगा ये सोनीपत में किसी गांव का है तो 2, किसी गांव का है तो 3। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 131001 लिखा हूं तो ये बताएगा जोन, जोन ये बताएगा सब जोन, जोन ये बताएगा सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, और ये तीनों बताएंगे पोस्ट ऑफिस। ये है मेन चीज यार। अब ये बताओ, ये जानकारी आज मिली है या पहले से थी? दिल पर हाथ रख के बताना, दिल पर हाथ रख के बताना, आज मिली है पहले से मिली है? क्लियर है मास्टर जी? मतलब दिल छूले भाई, सारे मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए हम है यार। ये देखो, ये जून है, देखो 1 में देखो, ये नॉर्थ, नॉर्थ 2, 3 वेस्ट, 4 वेस्ट, 5, 6, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आप 9 याद रखो बस, जून की संख्या 9 है। ठीक है, अभी पता चला तो बहुत बढ़िया, कुछ तो सीखे। ओए होए, क्या क्वेश्चन आया है, अभी इसको बेचने की तैयारी चल रही है। तू मेरा नहीं है फिर भी लोग बेच रहे हैं, अभी बेचने की इस पे बात चल रही है, कोई बात नहीं, सीखते हैं, आइए सीखते हैं। टाटा एयरलाइंस को अब किस रूप में जाना जाता है, ध्यान से समझिए। टाटा, पहले टाटा, टाटा अपनी जहाज चलाता था टाटा सर्विसेज स्काई के नाम से, और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, यानी टाटा ने अपना जहाज 1932 में लॉन्च किया, टाटा ने 1932 में लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने 1946 में खरीद लिया, 49% शेयर खरीद लिया और अपना पावर दिखाने लगे। चलो, टाटा वालों ने गवर्नमेंट को दे दिया, टाटा ने अपना जहाज 32 में बनाया, जेआरडी टाटा ने,
और सरकार ने 46 में खरीद लिया, चलो खरीद लिया भाई, और किस नाम से खरीदा, एयर इंडिया के नाम से। तो एयर इंडिया 1946 से शुरू हो गया और एयर इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली, दिल्ली। ध्यान से समझना, कई ऐसे जहाज मिलेंगे जो सीधा आपको दिल को छुएंगे। देखिए जहाज तो आप जानते ही होंगे, आपकी नजर में कई सारे जहाज होंगे, कई सारे जहाज होंगे। पहला, अगर मैं टाटा का तो आपको पता ही चल गया, अगर मैं कहूं स्पाइस जेट, तो बिल्कुल यह एक जहाज है, स्पाइस जेट एक जहाज है और इसकी नींव डाली गई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा का गुरुग्राम, हरियाणा के जीके में भी आ जाएगा गुरुग्राम। तो स्पाइस जेट कब बना, 2004 में, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है, स्पाइस जेट हो गया। उसके बाद बना, तो उसके बाद एक नाम आता है किंग फिशर, विजय माल्या वाला किंग फिशर, ये तो 2003 में ही बन गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, तो किंग फिशर मुंबई है 2003 में, स्पाइस जेट 4 में गुरुग्राम है। फिर आता है तीसरा इंडिगो, बहुत फेमस है इंडिगो, बहुत फ्लाइटें हैं इसके इंडिगो, 2005 में, और इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम, गुरुग्राम इंडिगो गुरुग्राम, क्लियर क्लियर इंडिगो। फिर नाम आता है कि मास्टर जी इंडिगो के अलावा गो एयरवेज, गो एयरवेज ये भी एक जहाज है, गो एयरवेज हेडक्वार्टर मुंबई और गो एयरवेज 2005, गो एयरवेज भी 2005। फिर आता है गुरुजी एक और भी है, जेट एयरलाइंस 1992-93 हेडक्वार्टर मुंबई, जेट का बंद हो चुका है, जेट भी बंद हो चुका है, गो एयरवेज बता दिया। एक और है बड़ा फेमस, विस्तारा, विस्तारा एयरलाइंस, विस्तारा, विस्तारा 2013 में है विस्तारा और गुरुग्राम इसका भी है। तो गुरुग्राम स्पाइस जेट, गुरुग्राम इंडिगो, देखो स्पाइस जेट इंडिगो विस्तारा, मुंबई कौन है, गो एयरवेज जेट किंग फिशर। अगर देखो देखो ये जहाज देखो, ओ माय गॉड कौन सी जहाज है, ओ माय गॉड ये देखना कौन सी जहाज है, कौन सी जहाज है ये, कहोगे मास्टर जी ये तो जेट है 92-93 मुंबई ले जाएगा, ये ले जाएगा मुंबई। फिर कहोगे ओ जेट है, ओ हो इसमें तो कई आ लिए, देखो इसमें विस्तारा भी है, देखो विस्तारा 2013, विस्तारा भी तो गुरुग्राम है, विस्तारा भी तो गुरुग्राम है, स्पाइस जेट भी है 2004 ये भी तो गुरुग्राम है, इंडिगो भी है 2005 ये भी तो गुरुग्राम है। देखो विस्तारा स्पाइस जेट इंडिगो, देखो सभी चीजों में कंपटीशन है बिल्कुल यार। ये है एयर इंडिया, लाडलो ये है एयर इंडिया, देखो ये है एयर इंडिया, देखो एयर इंडिया की जहाज है। ओहो नमस्कार, क्लियर, ये देखो गो एयरवेज, ये है गो एयरवेज, गो एयरवेज भी तो बताया था आपको, गो एयरवेज मुंबई में है 2005, गो एयरवेज 2005। प्रभन साल आगे लूंगा भाई, इनकी भी क्लासेस लूंगा। किंग फिशर देखो, किंग फिशर 2003 मुंबई, विजय माल्या का है, बंद हो चुका है अब तो, लोग इसमें खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसका जवाब आपको जरूर देना है। सीधा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले खड़गपुर हुआ करता था लेकिन अब गोरखपुर होता है, यूपी में है मेरे लाल, और अभी अभी अभी, अभी
हुबली में, हुबली हुबली कर्नाटक में पड़ता है, हुबली खुद एक रेलवे जोन है, और हुबली ऐसा रेलवे जोन है हुबली जो कर्नाटका में पड़ता है, खुद एक रेलवे जोन है, और यहां का रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनेगा, अभी बन रहा है। लेकिन आपके सामने अगर पूछ दे कि प्रेजेंट में बताइए, तो बताना मास्टर जी प्रेजेंट में गोरखपुर है, पहले खड़गपुर हुआ करता था, अब गोरखपुर है। देखिए ना, आइए कभी हमारा गोरखपुर में आइएगा, जरा आइए, स्वागत है आपका। देखिए ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। नहीं, सबसे बड़ा राज्य है इसलिए नहीं। ओए होए, क्वेश्चन मतलब दिल को छुएगा। और मैं अभी भी कहता हूं लडलो कि मतलब जब क्वेश्चन छुए ना, तो आपको ये होना चाहिए, हाँ मास्टर जी ऐसे क्वेश्चन तो मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट। ठीक है, एरिया के हिसाब से, समीकालीन एरिया के हिसाब से कहोगे तो राजस्थान, पॉपुलेशन के हिसाब से कहोगे तो यूपी तो है। ठीक है, कोलकाता में पहली बार मेट्रो ट्रेन 1984 में चली थी, नो डाउट चली थी भाई, कलकत्ता में पहली बार मेट्रो 1984 में चली थी। लेकिन पेपर में आता है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी। डीएमआरसी की शुरुआत 2002 में हुई और रेड लाइन से शुरू हुई, कई लाइन है, ग्रे, येलो, वायलेट। पेपरवा में पूछा कि ऑरेंज लाइन किस लिए फेमस है, जब आपको दिल्ली से एयरपोर्ट जाना हो, दिल्ली एयरपोर्ट IGI, तो ऑरेंज लाइन पकड़ना नई दिल्ली पर, ऑरेंज लाइन, संतरा लाइन, ऑरेंज लाइन, वो सीधा रेलवे सीधा आपको एयरपोर्ट ले जाएगा। तो ऑरेंज लाइन किसके लिए है, एयरपोर्ट लाइन के लिए, रेड लाइन है। रेड लाइन जो है 2002 में शुरू हुआ, सहादरा एक जंग सहादरा से लेकर 30,000 के बीच शुरू हुआ पहली बार 2002 में। लेकिन 2004 में पहली बार जमीन में शुरुआत हुई, अंडरग्राउंड, विश्वविद्यालय से लेकर कश्मीरी गेट के तरफ शुरुआत हुई। तो पहला अंडरग्राउंड 2004 में आया, येलो लाइन ये आया, और पहली बार ऊपर ऊपर 2002 में शुरू हुआ, जमीन के अंदर दिल्ली में 2004। क्लास साक्षी जी शुरुआत होती है 6:30 बजे से, तो दिल्ली में दो क्वेश्चन आएगा, ऊपर ऊपर वाला 2002 मेट्रो की शुरुआत दिल्ली 2002, लेकिन कहेगा मेट्रो की शुरुआत अंडरग्राउंड 2004 विश्वविद्यालय वाला लाइन। ये है तुम्हारा कौन सा मेट्रो, ये है तुम्हारा कलकत्ता मेट्रो, पहले ही दिख रहा है कलकत्ता मेट्रो, देखो ये है कलकत्ता मेट्रो का ट्रेन, पानी में भाई रहे। ऑरेंज लाइन कोमल जी, कभी जो दिल्ली मेट्रो को जो टच जोन बांटा है, रेड लाइन कहां से कहां तक चलेगी, ऑरेंज लाइन कहां से कहां तक जाएगी, येलो लाइन कहां से कहां तक जाएगी, ब्लू लाइन कहां से कहां जाएगी, वॉलेट कहां जाएगी, ग्रे कहां से कहां जाएगी, इस तरह के लाइन बटे हुए हैं कि अगर आपको दिल्ली से एयरपोर्ट जाना हो तो आपको ऑरेंज लाइन वाली ट्रेन पर जाना है। ठीक है, हाँ ये कलकत्ता मेट्रो, और ये है अपना सबको पता है DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। देखिए ये, देखिए यहां लोग बैठे, ये DMRC का आप लोग गए होंगे तो याद तो आती होगी, क्योंकि बहुत सारा बंद है। रेलवे के 18 जोन है ये DMRC। आइए ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, देखिएगा जरा। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त सेकेंड, फाहियान 399 में आया, 414 कुछ किताबों में 412 AD में चला गया। ये वही फाहियान है जिसने एक किताब लिखी है फू यू ओ की,
ये वही किताब है जो चाइनीज भाषा में है, और इस किताब में फाहयान ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। इसी किताब में फाहयान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है, कहता है कि यहां के लोग तो लहसुन प्याज मांस मदिरा खाते ही नहीं है। तो उसकी किताब कौन सी है? फू यू ओ की। और कब आया था? 399। कब गया? 414। उस टाइम चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वही है जो सत्यमुच में सही है। एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, इसकी किताब को, ये तो किताब है इसकी, किस भारतीय ने ट्रांसलेट किया था? जगमोहन वर्मा। जगमोहन वर्मा ने इसके किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। देखो ये है अनुवादक, ट्रांसलेटर, लिखने वाला फाहयान है। नहीं, यहां के चाइनीज भाषा में, ये तो चाइनीज था ना, संतोष आज सर फुल फॉर्म में है। सर आज और भी मजा आ रहा है, एक से एक अच्छे क्वेश्चन है। ऐ है अंग्रेज तो, अंतिल कह रहा है अंतिल नंगालिया, आए हाय अंग्रेज जंतु, आए हाय बेटा तो क्या बात है। सिकवे गिले कर गए, बेशक कहते हैं ना कि दिल की दुनिया बसा करके तो देख, कहते हैं दिल की दुनिया बसा करके तो देख, किसी आईने पर पत्थर गिरा करके तो देख, अरे तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे भी नजरे मिला करके तो देख। लाडले इधर आजा, इस क्वेश्चन का जवाब दे। कहते कवि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत सारे कवि थे, कालिदास, आर्यभट्ट, ऐसे बड़े बड़े लोग थे यहां, ऐसे बड़े बड़े लोग थे यहां, कालिदास, आर्यभट्ट, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सब तो यहीं थे, सब तो यहीं थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, कालिदास की अगर तुम किताब देखो तो ये है कालिदास, मूर्ख महामूर्ख से महाकवि, कहते हैं जिस डाली पर बैठे थे वही डाली काट रहे थे, फिर इतने बड़े कवि कैसे बन गए? मेहनत। कवि कालिदास की किताब देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकागिन मित्रम, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम श्री, कुमार संभम, ऋतु संहारा। इसमें सबसे ज्यादा रघुवंश, अभिज्ञान का शाकुंतलम, मेघदूत ये पेपर में आते हैं, ये कालिदास के ही तो किताब हैं। क्लियर? शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई किताब है, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त राजा बना था। इसी चाणक्य को विष्णुगुप्त, इसी चाणक्य को कौटिल्य नाम मिला है, इस चाणक्य को मैक्यावेली भी कहते हैं, मैक्यावेली। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना, चाणक्य की तुलना इटली के मैक्यावेली से किया गया, इसीलिए कहते हैं भारत का मैक्यावेली चाणक्य है। और मैक्यावेली असली में कहां है? इटली का। इसने एक किताब लिखी है द प्रिंस, इस किताब की और अर्थशास्त्र की तुलना करोगे तो दोनों किताबों में सेम बातें हैं। इसमें भी लिखा है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए अपने राज्य में, और इस किताब में भी लिखा है एक राजा कैसे राज्य चलाता है, पैसे की बात नहीं है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसीलिए मैक्यावेली की किताब द प्रिंस और चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र समान है, समान है आपस में। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो जरूर बात करें, जरूर पूछें। अब ये वो किताब है, देखिए
कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये वो किताब है, देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र। चले भाई, तो कहते हैं कि मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन भाई कि किस वेद में योग्य योग योग, तो ध्यान से सुनना, ऋग वेद में योग है, अथर्ववेद में जादू टोना है, जादू टोना, सामवेद में गीत संगीत है, गीत संगीत, यजुर्वेद में कर्मकांड है, कर्मकांड, गीत संगीत, जादू टोना, नदी, योग, ये सब ऋग्वेद में है। और योग के पिता किस भगवान को मानते हैं? शिव को, शिव को बोलते हैं योग के पिता, योग के जनक। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त ऐसे ही जुड़े 6:30 बजे रोज, आपको बेस्ट की बेस्ट चीजें मिलेंगी। कंपेयर कर लेना किसी भी सेंटर से, किसी भी टीचर से, फिर कहना गैलेक्सी हमेशा बेस्ट है, क्वालिटी, कंटेंट, लेवल। क्लियर? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त फिर मिलते हैं परसों, अल्टरनेट डे पे क्लास होती है, जब भी मिलेंगे हम आपके हो जाएंगे। नमस्कार।